गाइस, आई एम राहुल पासवान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजेंद्र नगर पटना रेलवे स्टेशन। जैसे कि आपको मैं अभी पीछे बैक कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ, ये है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, घर यानी कि मैं अपने विलेज जहाँ मैं बचपन में रहा करता था, और डिस्ट्रिक्ट है नालंदा। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ मेरे सफ़र को एंजॉय करना, क्योंकि आज मैं अपने सफ़र को एंजॉय करूँगा, इससे पहले भी मैं अपने गांव जा चुका हूँ, लेकिन दोस्त लेकिन उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाता था। आज मैं ये सेकेंड ब्लॉग बना रहा हूँ और अपनी वीडियो बनाने के साथ साथ मैं आपको भी घुमाऊंगा। और अभी सुबह के 6:30 हो चुके हैं और मेरी जो ट्रेन है वो लगभग लेट है, अब पता नहीं कब आने वाली है। वैसे इसको सही टाइमिंग जो था 6:20 था, बट अभी तक आई नहीं है, तो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ और देखते हैं कब आते हैं। तो आप जुड़े रहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन मेरी आ चुकी है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस्लामपुर जाने वाली ट्रेन कैसी है। तो फाइनली दोस्त, हमारी ट्रेन आ चुकी है और अपने ऑन टाइम से ये 20 मिनट लेट है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं पिछली बार इस ट्रेन से सफ़र किया था तो ये लगभग 9 बजने से 10 मिनट पहले मुझे इस्लामपुर छोड़ चुका था, बट आज देखते हैं आज कितने बजे छोड़ता है। उम्मीद है कि ये अपने सही टाइम पर छोड़ देगा। अब मैं ट्रेन के अंदर और सफ़र करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये मेरे राजेंद्र नगर से लेकर गांव तक का सफ़र किस तरह का है। और मेरा जो सीट नंबर है D64 है। सो वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो गाइस, मुझे यार वही बाहर में वीडियो बनाना बहुत ही शर्म आता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील करता हूँ, क्योंकि ऐसे कैमरा ऑन करके और ऐसे फ़ोन से बातें करना, लोग समझते हैं कि क्या कर रहा है। सो गाइस, आते जाते लोग सोच रहे होंगे कि बाथरूम में गई तो बिल्ली क्यों लगी है और अंदर बंदा कर क्या रहा है। तो अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि बाथरूम में वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता यार। चलिए तो बाहर मिलता हूँ। तो गाइस, दोस्तों मैं अपनी सीट भूल चुका हूँ, सीट क्या भूल गया, मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ यार दोस्तों। तो मेरा जो सीट है पीछे है और मैं अभी पटना साइड पहुँच चुका हूँ। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं कि इस वक्त ये आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा पटना साइड। तो मैं काफ़ी आगे हूँ, मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, ट्रेन रुकती है 1 मिनट के लिए। तो मैं ट्रेन से उतर कर जो बोगी नंबर है 2nd वहाँ जाऊँगा। और आप देख सकते हैं ट्रेन काफ़ी हद तक खाली खाली से है, बस यहाँ पर जो स्लीपर क्लास है वो बहुत ही खराब हुआ है। अब ट्रेन रुक चुकी है, मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। यार जैसे मैं ट्रेन से बाहर की तरफ उतरा और मैं पीछे की तरफ गया, D1, D2, D164 ढूंढने के लिए पीछे की तरफ दोस्तों मैं गया, तो देखा कि जो जितने भी डी वाले जो सेक्शन जितने भी सेक्शन थे उनमें इतनी भीड़ थी यार कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार मैं इस जगह से बैठ जाऊँ, क्योंकि यार वहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे और काफ़ी नज़दीक थे और इसमें कोविड का समय है और इतने नज़दीक बैठना अच्छी बात थी। तो इसलिए दोस्तों मैं क्या किया कि मैं वहाँ बैठा नहीं और वहाँ से देख कर ही मैं डर गया। और भाई वहाँ से मैं वापस भी 3 के अंदर या 4 के अंदर हूँ और यहाँ भी देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा खाली है। और मेरे पास मेरे बगल में भाई साहब हो रहे हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस को रहते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी अच्छी ट्रेन है दोस्तों, पहले से काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुका है। ये जो भाई साहब सो रहे हैं आपको लग रहा होंगे ट्रैफिक पुलिस में, और जब तक पीछे की तरफ दिखा रही है
काफ़ी लोग शोर हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ कि किस तरह के दिखाई देते हैं। मालगाड़ी जा रही है, तो ट्रेन में सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता है, बस की तरह है नहीं, कूदता डूबता है। और मुझे बस में सफ़र करने में प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे उल्टी वगैरह इतना भी नहीं आता, मुझे नॉर्मली मतलब उल्टी वगैरह आती है। ट्रेन की बातें कुछ अलग होती है। बस में सफ़र करने के दौरान खासकर ज़्यादा लड़कियों को और औरतों को ट्रैवलिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें उल्टी बस में आ जाती है। तो अगर आपको बस के अंदर उल्टी आ जाए दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक बहुत ही आसान सोल्यूशन है। आपको अगर कभी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और आपको उल्टी आ जाए, तो आप मुंह के अंदर जो एक 2 रुपये का सिक्का होता है वो आप अपने मुंह के अंदर जीभ के नीचे दबा कर रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि ये एक्सपीरियंस अपने ऊपर आजमाया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये उसने मुझे बताया था बूढ़े बुजुर्गों ने कि अगर आप कभी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और आपको उल्टी आती है, तो जीभ के नीचे आपको उस सिक्के को रख लेना चाहिए। जिससे कि कुछ बहुत हद तक तो मैं बता सकता हूँ कि उल्टी सब दोबारा आती है। तो काफ़ी ठंडी और ठंडी हवा और ग्रीनरी मस्त लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगला जो स्टेशन है ये है बांका घाट, जो भी क्रॉस कर चुका है, और पटना साहब भी हम क्रॉस कर चुके हैं। गाइस ये कुछ बाहर का नज़ारा, अब ट्रेन थोड़ी स्लो हो चुकी है। हाँ और जब स्लो हो चुकी है तो मैं कैमरा अंदर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर कैमरा ज़्यादा देर तक बाहर रखा है तो यहाँ पे चोर होते हैं, कुछ स्नैचर होते हैं जो हाथ में डंडे लेकर रखेंगे और आपके हाथ पे इतना तेज डंडा मारेंगे कि आपका फ़ोन गिरकर ट्रेन से नीचे चला जाएगा और फिर आप फ़ोन से हाथ धो बैठेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन को अंदर कर लेता हूँ और अंदर से कुछ कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। और या फिर इस बार बारिश के मौसम में कुछ अलग ही अपना नज़ारा दे रखा है। नेचर का जो प्रभाव है वो आप बसंत ऋतु में ही सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देने को मिलेगा। और ये छोटी सी नदी आपको क्या लगता है? एक्चुअली दोस्तों दलदल था।
वो देख सकते हो दोस्तों, ये भाई साहब शायद कोशिश कर रहे हैं इतनी चलती ट्रेन से उतरने की, पर ये भाई साहब उतर भी गए। देखा आपने यार, ऐसे चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए वैसे तो, बट ट्रेन स्लो थी तो भाई साहब उतर गए। उनको आगे से देख सकते कितना मोड़ रही है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा उनका वहाँ से जो ट्रेन हल्की हल्की मोड़ रही है। कुछ लौंडे लपाड़े आपको दिख रहे हैं, काफ़ी जिगजैक है। जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे कि ट्रेन काफ़ी मुड़ रही है, अभी लेफ्ट राइट, तो कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेन का रुकना और ट्रेन का सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में ट्रेन सो ही होती है। और अभी हम दोस्तों फतुहा एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पर कुछ दिखाऊँगा नहीं यार, कुछ बाहर में कोई आदमी जो हग रहा है दोस्तों। इस वक्त मैं फतुहा आ गया हूँ, ये फतुहा रेलवे स्टेशन है देख सकते हैं आप, और आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर ट्रेन जो है एक से दो मिनट के लिए रुकी है। सो गाइस, मैं ऑलरेडी बाथरूम जा चुका हूँ बट मुझे दोबारा वॉशरूम आ गया है, जो मौसम जो है थोड़ा ठंडा ठंडा, इसलिए बाथरूम यार दोबारा लगना आम बात है। सो अभी मैं आपसे वॉशरूम करने के बाद मिलता हूँ। दोस्तों हमारी गाड़ी भी अब स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम फतुहा से निकल चुके हैं, ये फतुहा जंक्शन है दोस्तों। ऐसे तो यार यहाँ पे बैठ के ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खतरा होता है गिरने का भी, तो मैं अब सुबह यहाँ से मैं अब उठ कर अंदर की तरफ सीट पर बैठ जाता हूँ और वहाँ से मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। वहाँ से मैं उठकर यहाँ पर बैठ गया हूँ, क्योंकि बैठा खतरा होता है। तो दोस्तों बस ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जिस वक्त मैं निकला था उस वक्त दोस्तों धूप भी नहीं निकली थी। सुबह मुझे 5:10 पर उठना था बट मैं 5:05 पर उठ चुका था, और जैसे जैसे करके मैं तैयार हो गया और मैं 5 बजे स्टेशन लगभग मैं 6 बजे से पहले स्टेशन पहुँच चुका था, क्योंकि जो ट्रेन थी वो 6:20 की थी, बट ट्रेन लेट थी तो 6:30 पर स्टार्ट हुई है चलना। और अभी हम फतुहा जंक्शन क्रॉस कर चुके हैं, अभी मैं यहाँ सीट पर आके दूसरी जगह बैठा हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी ट्रेन में जहाँ मैं बैठ गया था, ट्रेन बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भरा भी नहीं है, खाली खाली है। तो अभी तो मैं ट्रेन के पास जाऊँ जहाँ करें वहाँ वहाँ सीट अपनी है, बस वो सीट छोड़कर जहाँ लोग ऑलरेडी बैठे हैं तो मैं उनकी जगह नहीं बैठ सकता हूँ। चुके हैं और आपको ट्रेन का आगे का हिस्सा दिखाता हूँ, जो ट्रेन का जो आगे का हिस्सा कितना बड़ा कट है, कितना लंबा है, ये पूरा का पूरा ट्रेन आगे से एकदम मुड़ जा रहा है। यहाँ पर ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं सकती,
क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा मुड़ाव है जिससे कि ट्रेन को थोड़ा स्लो होना ही पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्लो होना पड़ रहा है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा मोड़ है। जो इंजन है वो आप आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों इस वक्त मैं बनियावा जो हॉल्ट है वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ और बगल में इस वक्त आप देख सकते हैं एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है जो कि पता नहीं कहाँ से जाने वाली। तो बगल में आपने देखा दोस्तों एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी और ये जो ट्रेन है वो एक्सप्रेस है। अब मैं दोस्तों इस ट्रेन के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ कुछ बातें। हाँ दोस्तों, ये ट्रेन जो आ रही है वो रांची से आ रही है और रांची से होते हुए ये गया आती है, गया से होते हुए जहानाबाद आती है और जहानाबाद से ये पटना आती है और ये पटना से फिर जब चलती है तो ये फतुहा और बनियामा हॉल्ट होते हुए स्टेशन होते हुए रेलवे स्टेशन होते हुए ये आखिरी जो इसका सफ़र होता है वो इस्लामपुर था। इस ट्रेन के बारे में बात की जाए दोस्तों तो यह इस्लामपुर से शाम को ये ट्रेन चलकर निकलती है। मुझे टाइमिंग नहीं पता कि ये ट्रेन शाम को किस वक्त दिल्ली के लिए रवाना होती है, बट ये ट्रेन आई थिंक शाम को 3:30 या 4 ट्रेन नई दिल्ली के लिए निकलती है, जिसे नई दिल्ली के लिए निकलती है। तो इसी ट्रेन का नाम दोस्तों मगध एक्सप्रेस दे दिया जाता है। और जब ये नई दिल्ली से वापस आती है दोस्तों तो ये यही ट्रेन दोस्तों मगध बनकर वापस आती है। सो कुछ ऐसा है बिहार सरकार की जो ट्रेन है मगध एक्सप्रेस। गांव मुझे इसलिए पसंद है दोस्तों कि गांव के अंदर जो एटमॉस्फेयर होती है, वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है और वहाँ की जो सबसे खास बात यह है कि वहाँ पर जो हवा होती है वो बहुत ही नेचुरली और बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत होती है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जो कि ऐसी हवा आपको गांव के अलावा शहर के तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। नई दिल्ली जैसे महानगर के बारे में तो आप सब लोगों को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पर आता है पॉल्यूशन के मामले में, और वहाँ का जो एयर पॉल्यूशन है उसकी जो सीमा होती है वो काफ़ी ऊपर हो जाती है। तो दिल्ली जैसे महानगर में रहने के बाद जब मैं कभी गाँव आता हूँ तो पूरा एकदम हवा पानी सब कुछ चेंज होता है, क्योंकि दिल्ली का जो पानी होता है दोस्तों आपको पता है कि वहाँ का जो पानी होता है नाले का पानी होता है, वो फिल्टर करके वापस जो दिल्ली सरकार होती है उसको फ़िल्टर करके वापस घर घर तक पहुँचाती है। आप यहाँ के पानी का अगर बात की जाए, यहाँ पे आपको बोरिंग के माध्यम से पानी जो कि सीधा ज़मीन से नल गाड़ कर या सर्वर सीवर गाड़ कर ऐसी जो नेचुरली पानी होता है जो नीचे से आती है वो पानी होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों गांव और शहर के बीच में। तो ये जो फ़र्क है दोस्तों ये बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर गांव अगर शहर में तब्दील हो गया फिर वो मज़ा नहीं रहेगा दोस्तों। जो गांव जो शहर जो गांव की बातचीत होती है, अगर गांव में भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा का काम होने लग जाए तो गाँव नहीं कहलाएगा दोस्तों। तो गाँव को गाँव ही रहना बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं शहर से गाँव आता हूँ तो बहुत शांत और बहुत ही शांत और होता है ना कि फ्री अपने आप को महसूस करता हूँ। खाओ पियो और ऐश करो यहाँ पर, मतलब खाओ पियो और बिंदास रहो कहीं भी घूमो फिरो। और शहर में एक तो बहुत ज़्यादा काम का डिप्रेशन होता है सुबह से शाम तक, जो हमारी हैबिट बन जाती है कि आज सुबह उठना है क्या करना है। तो शहर में बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ भरी पूरी ज़िंदगी होती है, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता। गाँव में जो गाँव के किसान होते हैं वो लोग महीने में 3 ही काम करते होंगे और बाकी के जो महीने होते हैं 9 वो सब आराम ही करते हैं। तो गाइस अब मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको 10-15 के बाद फिर दोबारा मिलता हूँ, जब स्टेशन के मैं अपने बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाऊँगा। और इस वक्त मतलब 8:15 हो चुके हैं और ये गाड़ी की जो टाइमिंग है 9 से पहले, मतलब ये मुझे इस्लामपुर छोड़ देगा। अब देखते हैं ट्रेन लेट है कि जा नहीं है, ये तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। जैसा भी होगा मैं बताता जाऊंगा।
गाइस वेलकम बैक अगेन एंड अभी मैं पहुंच चुका हूँ हिलसा रेलवे स्टेशन। ऐसे हिलसा के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि कंगरसराय आएगा। कंगरसराय दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने बचपन के 2-3 साल गुजारे हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था मेरे बड़े भाइयों के साथ पढ़ने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था उस टाइम, मेरे मम्मी पापा ने डाल दिया था मुझे कंगरसराय हॉस्टल में जहाँ मैं पढ़ता था। कंगरसराय हॉस्टल में तो इस जो रेलवे लाइन है यहाँ से वो हॉस्टल नज़र आता है दोस्तों। बट आई थिंक मैं 1-2 बार जब भी रेलवे ट्रैक से गया हूँ उस लाइन से तो मुझे वो हॉस्टल अब नज़र नहीं आता। मैंने 1-2 बार कोशिश करी तो मैं कंगरसराय उतरा भी था और वहाँ पर मैंने उस हॉस्टल को ढूँढा। हाँ तो पर वहाँ पर अब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, बहुत सारी बिल्डिंगें अगल बगल बन चुकी है तो वो अब दिखाई नहीं देता। पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया वो हॉस्टल। और जो यादें हैं ना मेरी वो बहुत सारी जुड़ी हुई है हॉस्टल के साथ। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कैप्चर करने की वो हॉस्टल अभी है कि नहीं है चलती ट्रेन से। सो देखते रहिए आप मेरे साथ। अगर देख सकते हो अभी मैं हिलसा रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ और ट्रेन का 3रा हॉर्न बज चुका है। ट्रेन कभी भी स्टार्ट होने वाली है और ये ट्रेन स्टार्ट भी हो गई दोस्तों। अभी हम हिलसा से कंगरसराय के लिए रवाना हो चुके हैं और कंगरसराय के बाद नेक्स्ट स्टेशन इस्लामपुरी आएगा। और अब ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है दोस्तों। इस्लामपुर से फिर मुझे ऑटो करना पड़ता है, रिक्शा करना पड़ता है, वहाँ से मुझे खुदागंज जाना पड़ता है। और खुदागंज जो है दोस्तों वो गया वाले रूट में पड़ता है और खुदागंज से फिर मुझे अपने गाँव के लिए रवाना होना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आप ये बाहर का कुछ नज़ारा है। हिलसा रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। वैज अब मैं आपको कंगरसराय के बीच रास्ते में मिलूँगा। तब तक के लिए दोस्तों तो वो दोस्तों वीडियो में बने रहना और मैं आपको कंगरसराय हिलसा से कंगरसराय के बीच का जो रेलवे लाइन है उस बीच में जो कंगरसराय वाला मेरा जो बचपन का हॉस्टल आएगा मैं वहाँ पे आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। सॉरी दोस्तों, तो मैं जब कंगरसराय पहुंचने वाला था मेरा ध्यान हट गया, जो हॉस्टल दिखाने वाला था वो आपको दिखा नहीं पाया। बट अब जस्ट ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, इससे कुछ ही मिनटों की दूरी पर आपको कुछ ही मिनटों के बाद मैं इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा और मैं इस्लामपुर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद ही आपको दिखाऊँगा कैसा है। और ये बाहर की तरफ आप नज़ारा देख सकते हैं ट्रेन के साथ। जो खेत है उनमें इस वक्त पानी आ चुका है, नहर में पानी आ चुका है और खेतों में भी पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल और इस साल खेती बहुत ज़्यादा अच्छी हो, किसानों को बहुत फ़ायदा हो। खेतीबाड़ी का काम होता है दोस्तों बहुत मेहनत का काम होता है। तो इस बार ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो हमारे भगवान हैं वो धरती पर उतर कर आए हैं
और हमारी जितनी भी सारी धरती है उसको पूरा का पूरा ग्रीन करके चले गए हैं। आपको कहीं कहीं जगह पे अभी भी मिट्टी के मकान देखने को मिलेगा और धान वान वगैरह को भी आपको छोटे छोटे कीड़े मिलेंगे। सो वेल, बहुत जल्दी इस्लामपुर आने वाला है, सो वेल मैं इस्लामपुर में मुलाकात करता हूँ आप सबसे, तो बने रहिए वीडियो के साथ और मैं आपको दिखाऊंगा पूरा अपना गांव। सो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं गांव तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं तो मैं अगली वीडियो में अपने गांव को दिखाने की बहुत कोशिश करूंगा और अपने घर वर भी दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा दिखाने की, क्योंकि दोस्तों मैं जब किसी के आगे कैमरा लेके ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कुछ, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगेगा। और अभी नया नया हूँ तो यार मुझे थोड़ा बहुत अभी वो होता है, हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है बोलने में, और जो कुछ बोलना रहता है वो भूल भी जाता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर। फाइनली दोस्तों, हम इस्लामपुर पहुँच चुके हैं, मैं ट्रेन को अब स्लो होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद मैं उतरूँगा नीचे। तो गाइस, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं इस जिस ट्रेन से आया था राजेंद्र नगर से, उस ट्रेन से उतर चुका हूँ और हटिया पटना देख सकते हैं कितनी लंबी ट्रेन है। एंड तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है इस्लामपुर रेलवे स्टेशन, और मेरे बगल में इतनी सारी ग्रीन ग्रीन हरियाली। सो दोस्तों, सो वेल गाइस, मैं अपने गांव अब पहुंच चुका हूं और काफ़ी लंबे अरसे के बाद पहुंचा हूं, और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, और मैं गांव से कुछ ही दूर पहले ही उतर गया हूं, क्योंकि दोस्तों मैं यहां से ये जो मौसम है, जो हरियाली है गांव के अगल बगल की, इन सब को देखता हुआ जाना चाहता था। सो बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इस वक्त जो धूप है वो बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर है, और ऊपर देख सकते हैं, तो थोड़ा सा माहौल गर्मी का भी है और थोड़ा वसंत ऋतु भी आ चुका है इस टाइम। और मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ कि यहाँ से इस रोड से मेरा गांव कैसा दिखता है और कितना अच्छा है, तो देखिए मेरा गांव। तो गाइस, गांव जो मेरा वो देख सकते हैं आप कि वो जो पेड़ की झाड़ियाँ दिख रही है, वो जो तार लगे पड़े हैं बहुत सारे, और नीला कलर का आपको एक टेंट सा दिखाई दे रहा होगा, तो वो है मेरा एक छोटा सा गाँव। मैं अपने गांव की बात बताऊं तो मेरे गांव में अभी भी मिट्टी के घर हैं, और मेरा खुद का घर तो अभी बना ही नहीं है गांव के अंदर, ना मेरा मिट्टी का है ना मेरा ईंटे का घर है। दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हो जिसकी तरफ मैं जा रहा हूं, ये मेरे गांव के अंदर जाने का रास्ता है, और वो जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये घर हाल ही फिलहाल अभी बनाए गए हैं, क्योंकि किसी समय में यहाँ पे एक भी घर नहीं होते थे और ये सुनसान रास्ता होता था, और ये खड़ंजे जो ईंटों के लगाए गए हैं ये पहले मिट्टी के ही होते थे। तो अब इसे ईंटों से खड़ंजा बिछा दिया गया है। और वेल गाइस, सामने की तरफ है मेरा गांव और ये दो तीन घर बाहर की तरफ हैं, अंदर की तरफ है मेरा घर। वैसे तो मैं अपने गांव आ चुका हूं, और अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि अब आप गांव के अंदर जब प्रवेश कर जाऊंगा, बाकी का ब्लॉग मैं अगले वीडियो में आपको अगले कंटेंट में बना के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा गांव है, गांव में कुछ बाछी वाछी है, बछड़े वछड़े हैं, और मेरा घर वो जो नीला कलर का है ना टांट डला हुआ नेक्स्ट वाला, वही है। तो अब तक के लिए इतना दोस्तों, फिर दोबारा अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ मुलाकात करूंगा। आप गांव के अंदर जब प्रवेश कर जाऊंगा, बाकी का ब्लॉग मैं अगले वीडियो में आपको अगले कंटेंट में बना के दिखाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर दोबारा अगली वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ।